गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। फ्रेंड्स, टुडे इज द फोर्थ डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। यस, सो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का एंड विच इज रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी। जी हाँ दोस्तों, एक लॉजिकल माइंड के अलावा क्रिएटिव माइंड को भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट के एक ऑसम ट्रिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग पावर पॉइंट में काम करते हैं तो टाइटल्स का काफी यूज होता है। टाइटल्स आर यूज टू ग्रैब यूजर अटेंशन। तो आज हम देखेंगे एक ट्रिक से किस तरह से एक कटआउट एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम से शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा कटआउट एनिमेशन, बट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी ऑसम। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये कटआउट एनिमेशन इन पावर पॉइंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन और यहां पर मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा है। आई हैव ओपनड ए न्यू प्रेजेंटेशन। सो मैं क्या करूंगा, आई विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्लाइड। तो राइट क्लिक, आई विल गो विद दिस लेआउट एंड आई विल गो विद दिस ब्लैंक। नाउ आई विल इंसर्ट ए फोटो, जिससे भी रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, बी इट बी योर बिजनेस प्रेजेंटेशन, बी इट बी योर फाइनेंस प्रेजेंटेशन, बी इट बी योर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, कुछ भी उससे रिलेटेड आपको एक इमेज इंसर्ट करना है। सो एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग द स्टॉक इमेजेस। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट बैकग्राउंड, बिकॉज मुझे ये बैकग्राउंड पिक्चर देना है। सो आई विल गो विद दिस पिक्चर और टेक्सचर फिल। नाउ एज ऑफ नाउ दिस इज कमिंग एज टेक्सचर फिल। आई विल गो विद दिस पिक्चर सोर्स इंसर्ट। नाउ यू कैन यूज मल्टीपल सोर्सेज टू इंसर्ट द इमेज, from a file, from stock images, from some online pictures or from icons. So as of now, what I'll do, I'll go with this stock images. अब stock images क्या होते हैं कि ये आपके online resources से Microsoft PowerPoint fetch करता है। Now what I'll do, let us take one image जहां पर कुछ एक blank area भी हो, मतलब वहां पर कुछ text लिखने का कुछ area हो। So as of now, let us scroll और आप यहां से देख सकते हैं जैसे थोड़ा सा ब्लैंक एरिया हो। सो लेट अस ट्राई इट आउट, लेट अस टेक दिस वन इंसर्ट। नाउ आई हैव इंसर्टेड दिस इमेज। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज। नाउ लेट अस स्टार्ट द मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं कैसे क्रिएट करना है। सो फॉर दैट आई इंसर्ट और यहां पर शेप्स लूंगा एंड आई यूज दिस रेक्टेंगल शेप। सो एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करूंगा एंड दिस इज द टाइटल कार्ड जहां पर मैं टाइटल को लिखूंगा फॉर दिस प्रेजेंटेशन और फॉर दिस स्लाइड। नाउ आई विल रिमूव द आउटलाइन। सो मैं जाऊंगा यहां पर नो आउटलाइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस शेप और इसका जो कलर लूंगा मैं इसी स्लाइड से पिक करूंगा, सम नियरेस्ट मैचिंग कलर, सम कॉन्ट्रास्टिंग कलर। नाउ फॉर दैट आई कैन गो टू दिस सेव फॉर्मेट टैब और यहां पर सेव फील्ड में जाकर आई कैन पिक दिस आई ड्रॉपर ऑप्शन। नाउ आई एम गेटिंग दिस पैन इन द राइट साइड, सो यू कैन यूज दिस पैन ऑल्सो। So for that, I'll go with this solid fill. I'll click on this eyedropper here and I'll pick any color from this slide. As the background जहां पर मैं यहां रखा हूं, the background is in light mode, तो थोड़ा सा ये dark color use करूंगा, the color of the shape. So let us pick any color from this one. Perfect. This is a beautiful color. Let us write something. Your title goes here. Now let us change the font. I can use this font and you can use any of your favorite font. Let us increase the size. Perfect. Now I'll go with this insert or fir se ek shape insert karunga, this one which is the oval. Now I'll keep like this, kuch aisa karunga like this so that it is adjusted with this one. Now I'll go with this format shape. I'll go with this gradient fill. जैसे मैं gradient को select करता हूं तो यहां पर कुछ options आते हैं, gradient stop. तो यहां पर 4 stop दिखा रहा है, let us delete this one. मुझे 2 ही stop चाहिए. Delete and this is delete. Now I'll use this type. मैं linear की जगह मैं use करूंगा path. Now let us change the color. The first जो stop है, I'll use some dark color. So let us take this one, which is black text one. And the second one is also the same. Second को भी मैं same color use करूंगा, the dark one. Now second का जो transparency है, this one,
I'll make it 100% transparent. Wow, like this. So आपने देखा 100% transparent हो गया. Now I'll remove the outline. So what I'll do, I'll go with this shape outline, no outline. Now let us keep this here और इसको मैं रखूंगा back में, send backward, like this. Now let us increase the size. और आप इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं टू मैच द टाइटल कार्ड. परफेक्ट. नाउ आई वांटेड टू मेक सम चेंजेस इनटू दिस ताकि ये थोड़ा सा लगे कि ये कुछ कटआउट है यहां पर. एज ऑफ नाउ इट्स नॉट बीइंग प्रॉपरली विजिबल. नाउ लेट अस सी द ट्रिक. व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस इंसर्ट और मैं एक शेप इंसर्ट करूंगा like this and I'll try to cover this one left side mein. I'll remove the outline. Now I'll change the color of this shape taki ye background ke saath 100% mix ho jaye. Now see here the option is coming, format shape, it's showing slide background fill. Wow, dekha aapne, lag raha hai na kata hua. Similarly I'll select this one, control D, and I'll make it here. Now let us send to backward like this. तो ये पीछे चला जाएगा ताकि ये जो टाइटल कार्ड है ये ऊपर रहे. Now I can adjust the position. Perfect. Now let us control D here और इसे भी मैं यहां पर हाफ कवर कर देता हूं. Wow, perfect. So as of now I have created this effect ताकि ये लगे कि कुछ दोनों साइड से कट आउट है, कट किया हुआ है दोनों साइड से, एंड द टाइटल कार्ड इज इंसर्टेड विद इन दैट कट. नाउ लेट अस एनिमेट दिस. द फर्स्ट पार्ट जो था ये पूरा कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पार्ट है टू एनिमेट दिस टाइटल कार्ड. सो लेट अस सी. सो फॉर दैट आई यूज सिंपल एनिमेशन. सो आई सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन. आई गो विद दिस एनिमेशन और एनिमेशन में आई गो विद दिस सिंपल फेड इफेक्ट. Perfect. Now I'll select this one and I'll add a animation और यहां पर मैं करूंगा split animation. This one. अब आपने देखा split जो हो रहा है वो दो साइड से center में आ रहा है. मुझे direction को change करना है from center to both the side. So I'll go with this effect option. Now here it's showing vertical out. Wow. Now I'll go with this after previous. Awesome. Let us run the slideshow. Now this is my overall slide. ये पूरा full screen आपका आ रहा है. अब जैसे user का attention मुझे drag करना है, what I'll do, I'll use this keyboard to run the slide show. Perfect. देखा आपने किस तरह से ये cut में आ रहा है. First the cut is coming और उसके बाद जो title card है वो आ रहा है. Wow. At any point of time you can adjust the size. अगर आपको लग रहा है कि size आपका बड़ा छोटा, यू कैन एडजस्ट द साइज. नाउ लेट अस सिलेक्ट बोथ दिस शेप. आई विल गो विद दिस शेप फॉर्मेट और अलाइन कर लेता हूं मिडिल. तो थोड़ा सा बेटर वे में आ गया. परफेक्ट. अब इसको मैं ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं जहां पर मुझे चाहिए. लेट अस रन द स्लाइड शो अगेन. वाओ. I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you will implement this concept in your upcoming presentation. Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, very important, agar abhi tak aapne hamare YouTube channel ko subscribe nahi kiya to please subscribe this channel and please share this channel with all of your friends and colleagues and stay connected because I'm coming tomorrow with another awesome tutorial for you all. Till then, take care, bye and have a great day.